आज बोर्ड ने निर्णय लिया है कि लोगों से अब डेवलपमेंट चार्जेस और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अब सरकार इन्वेस्ट करती रही है और करती रहेगी। नई पाइपलाइन लगानी है, नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हैं दिल्ली के अंदर, नए पंपिंग स्टेशन लगाने हैं, जितना भी है इस पर सरकारें इन्वेस्ट करती रही हैं और एक अच्छा शहर बनाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। हम आपसे टैक्स लेते हैं, उस टैक्स के पैसे से हम इंफ्रास्ट्रक्चर आपका क्रिएट करेंगे, उसकी रिकवरी जो है इसके ज़रिए हम नहीं करेंगे। तो आज से डेवलपमेंट चार्ज और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस पानी और सीवर के लिए बंद किए जाते हैं। और अब अगर किसी को पानी और सीवर का नया कनेक्शन लेना होगा तो उसे मात्र 2310 रुपये देने पड़ेंगे। पहले जो 1,14,110 रुपये देने पड़ते थे 200 मीटर के कनेक्शन के लिए, वो अब केवल 2310 रुपये देने पड़ेंगे।